इट्स रीवाइंड टाइम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अपनी 2018 की जो छोटी सी जर्नी है, जहाँ से हमने स्टार्ट करा, कहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई, यूट्यूब की जो जर्नी है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यार, ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में ज्वाइन करा है। और अगर तुम लोग बिल्कुल नए हो, तो अगर मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड, जैसे कि आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि जो मैंने अपना यूट्यूब का जो करियर स्टार्ट करा है वो करा है 8 ball pool की वीडियोस डालने से। तो शुरू में मैंने 8 ball pool की जो है टिप्स एंड ट्रिक्स डालने शुरू करी और अपने चैनल से गिव अवेज करता था। तो मैं खुद सोचता था कि यार अच्छा खेलता हूँ तो लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैंने 8 ball pool की वीडियोस जो है डालने शुरू करी, गिव अवे कंडक्ट करने शुरू करे, मैं लोगों में कॉइन मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे, लोगों को मैंने उससे फ़ायदा दिया। तो मेरी थोड़ी थोड़ी करके ऑडियंस जो है गैदर होनी शुरू हो गई और जनवरी के महीने में मैंने अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो जब मैंने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट करे, तो उसके बाद मैंने एक ऐसी वीडियो डाली जो मिनीक्लिप को, 8 ball pool के जो ओनर है मिनीक्लिप कंपनी, उनको पसंद नहीं और उन्होंने मेरी स्ट्राइक लगा के उड़ा दी। वो वीडियो जो है उनकी पॉलिसीज़ के थोड़ा सा खिलाफ जा रही थी। मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो जो है अलोन कंट्री ट्रिक के ऊपर थी, ऐसे ट्रिक थी जिससे आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो गेम में। तो मैंने उस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई, तो मैंने उस टाइम कहा भाई थोड़ा संभल के करना है, अगर आगे चलना है तो थोड़ा संभल के करना है, तो ऐसे स्ट्राइक आती रहेंगी क्योंकि गेमिंग में अक्सर करके लोगों के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है जो ट्रिक्स एंड टिप्स डालते हैं। तो मार्च में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद मैंने ऐसी वीडियोस डालना कंटिन्यू रखा। उस टाइम अप्रैल में आ गया, जून चला गया, ऐसी वीडियोस में डालता रहा। पबजी भी आ गया था तो मैं पबजी की भी लाइव स्ट्रीम्स करता था और पबजी में तो मेरे को कोई खास रिस्पांस मिलता नहीं था, लेकिन मैंने कहा गेमिंग चैनल है तो कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहना चाहिए। तो ऐसा टाइम था, मेरे स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को बताया कि यार जो तू कर रहा है ये अच्छा कर रहा है 8 ball pool का, लेकिन इससे तेरे जो है ऑडियंस है वो बढ़ नहीं रही, तेरी ऑडियंस एक लेवल पर है, तेरे सेम अमाउंट पे व्यूज़ आ रहे हैं, 100, 200, 300 व्यूज़ आते थे मेरे मैक्सिमम, अगर कोई गिव अवे कर दिया उस पे 200, 300 आ जाते थे, नहीं तो 100, 200 व्यूज़ आते थे ट्रिक्स एंड टिप्स पे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि जो तू ऐसा नहीं, तू व्लॉगिंग कर, तू मार्केट्स, तू जानता है ओल्ड दिल्ली में रहता है, तेरे को मार्केट्स पता है, तू हर चीज़ जानता है क्या चीज़ कहाँ मिलती है, तो ये चीज़ जान, लोगों को मार्केट्स दिखा, लोगों को बता कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, तो वो तेरी वीडियोज़ लोग देखेंगे। तो मैंने कहा सर यार कर तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो ऐसे ही मैंने उनकी बात को जो है पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा तेरी मर्जी, चल मैं तेरे को समझाना था। अब ये टाइम आ गया अगस्त का, मैं उस टाइम तक 8 ball pool की वीडियोस डालता था, हल्के हल्के करके मेरी ऑडियंस जो है बढ़ रही थी, बहुत स्लो चल रही थी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मैं एक ही चीज़ सोच के चल रहा था। आ गया मेरे उस टाइम 1500 के अराउंड सब्सक्राइबर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अगस्त में मैंने एक शुरू में स्टार्टिंग में यूट्यूब पे ऐसे ही घूम रहा था, तो 15 अगस्त का टाइम था और इंडिपेंडेंस डे पे जैसे आपको पता है काइट फ्लाइंग बहुत ज़्यादा उससे होती है शौक से, तो गौरव जोन कर एक यूट्यूबर है, मैंने उसकी एक वीडियो देखी। तो उसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो काइट मार्केट के बारे में बता रहे हैं, काइट मार्केट में आके उसने वीडियो शूट करी, लोगों को दिखाया पतंगे कैसे खरीदनी है, किस तरह से पतंगे लेनी है, क्या क्या लेना है और किस प्राइस में मिलेगा। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने कहा यार इसने वीडियो बनाई है, अच्छी बनाई है, लेकिन इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा चीप प्राइसेस पता है कहाँ पर मिलते हैं और इससे अच्छा सामान कहाँ मिलता है। तो मैंने भाई अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा यार उठाओ और शुरू हो जाओ। मैंने कैमरा उठाया, पोर्ट्रेट मोड में मेरी पहली व्लॉग बनी हुई है, मैंने आधे घंटे के अंदर जाके मार्केट, बिल्कुल शाम होने वाली थी, मैंने व्लॉग शूट करी,
रात को आके मैंने वो वीडियो थोड़ी बहुत एडिट करके मैंने अपलोड कर दी। उस वीडियो पे मेरे को थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिला। अब मेरे लिए अच्छा रिस्पांस कितना था, मेरी अगर उस वीडियो पे 500 व्यूज़ जैसे ही हुए ना 2 दिन में, तो मैंने कहा यार कर सकते हैं, 2 दिन में 500 व्यूज़ उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने आगे चल के मैंने कहा यार अभी तो कंटेंट इस टाइम जो है ट्रेंडिंग में पतंगबाजी चल रही है, तो मैंने फ़ौरन उसके बाद पतंगों के ऊपर 2-3 वीडियोज़ और डाल दी, मांझा का ट्यूटोरियल मांझा डाला, और उसके अलावा इसी तरह की मैं वीडियोज़ डालता रहा। फिर एक मैंने काइट फ्लाइंग की ट्यूटोरियल डाली, और मैंने 15 अगस्त की अपनी ब्लॉग डाली जिसमें जिस वीडियो पे इस टाइम अराउंड 8,000 से ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, तो वो वीडियो डाली। उसके बाद मैंने हल्के हल्के मैंने कहा तो कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो पतंग चलेगी नहीं, तो मैं अलग अलग व्लॉग्स करता रहा। मैंने उस टाइम लाइफस्टाइल व्लॉग्स करने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, ऑडियंस कम थी और लोग हर चीज़ नहीं देखते। मैंने अलग 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 व्लॉग्स डालने शुरू करी, किसी वीडियो पे 200 100 हल्के हल्के व्यूज़ चल रहे थे मेरी वीडियोस पे। एक टाइम आया अक्टूबर, अगस्त सितंबर 2 महीने मैंने नॉर्मल व्लॉगिंग करी। अक्टूबर में जाके मेरे को पहला प्रपोजल मिला किसी शॉप से कि भाई तू आके हमारी शॉप की वीडियो बना। तो मैं उसकी गया उसकी शॉप पर, मैंने वीडियो बनाई, उसकी वीडियो अच्छी बनी, आप लोग देखोगे डिज़ाइनर अबाया करके मेरी वीडियो है इस टाइम, वो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है फाइनली। उस पर हम लोगों ने 50,000 60,000 70,000 80,000 व्यूज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़े थोड़े करके उससे बढ़े रहे हैं अभी भी। तो मेरी जो व्लॉगिंग है उसका टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से मैंने मार्केट व्लॉग्स करनी स्टार्ट करी ऑफिशियली, और मैं लोगों की दुकानों पर जाता था, उनके प्रोडक्ट्स दिखाता था, उनकी चीज़ें दिखाता था, एडवर्टीजमेंट की तरह वीडियोज़ डालता था। मैंने ऐसे करके 1-2-3 और वीडियोज़ डाली, उससे मेरे को सब्सक्राइबर्स गेन होने शुरू हुए, और सब्सक्राइबर गेन हुए तो समझ जाओ यार आप लोग मिले, जो आप लोग हो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा। मेरी कोई वीडियो देख के तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा होगा, आपको कुछ चीज़ तो अच्छी लगी होगी मेरे कंटेंट में। तो मैं ऐसे करके हल्के हल्के चल रहा हूँ, और मैंने अब वापस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो है फिर से शुरू कर दी है, थोड़े अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, और मैं थोड़ा हर वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात इसकी मेरा वीडियोज़ डिले क्यों होती हैं इस टाइम, तो भाई देखो और यूट्यूबर्स की तरह मैं जो है अलाप शलाप कंटेंट नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छा कंटेंट मिले, हमेशा अच्छा कंटेंट मिले, साफ़ सुथरा कंटेंट मिले, तो यार इसीलिए थोड़ी वीडियोस डिले हो जाती हैं। और रही बात इसकी मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं यूट्यूब के, तो मैं आपको बता दूं इसी तरह की जो है मैं वीडियोस लाता रहूँगा, इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाऊँगा मैं, आप बेफिक्र रहो। मैं फूड व्लॉग्स भी लाऊँगा आगे, और उसके अलावा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी लाता रहूँगा। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखोगे ना आप सही बताओगे कि माइंड ब्लोइंग कंटेंट है। मैं ऐसा कंटेंट लाऊँगा जो यूट्यूब पर इस टाइम कोई व्लॉगर नहीं ला रहा, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा कंटेंट है मेरे पास, ऐसा दमदार कंटेंट है। तो बस 2019 स्टार्ट होने दो, थोड़े टाइम में आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा, लेकिन आप बेफिक्र रहो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालता रहूँगा। अब 2018 तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, आपको बतानी थी, और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो आप भाई मेरे को कमेंट में बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर थोड़ी सी और ज़्यादा पसंद आ गई हो तो भाई आगे शेयर भी कर देना, और लोगों को भी बता देना ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर नहीं कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, तो आप बताना उनको कि ऐसे ऐसे है, उसको सब्सक्राइब करो, उसको सपोर्ट करो, ताकि मैं आपका अपना भाई हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करता हूँ। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, बस मैं तो चाहता हूँ लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। पैसा कमाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है, सिर्फ अच्छा कंटेंट सर्व करना है। तो भाई ये मेरा छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। तो मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।